शहर में शाम के समय होटल व मैरिज हॉल वाले रास्ते पर रोज जाम लग जा रहा है। कॉलोनी में रहने वालों के अलावा राहगीर 3 से 4 घंटे परेशान हो रहे हैं। इसकी वजह पार्किंग की व्यवस्था न होना, सड़क पर बारातियों की गाड़ी खड़ी होने और देर रात तक जमावड़ा होने से कई जगह आवागमन बाधित हो जा रहा है। इससे निजात पाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा ऐसे होटल व मैरिज हॉल को चिन्हित कर संचालक को नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने कहा, ये इस समय जो है कि लगन का सीजन चल रहा है, शादी विवाह का समय चल रहा है, जिससे आवागमन काफी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण कहीं कहीं पर जहां पर होटल है या मैरिज लॉन है वहां पर जो है कि ट्रैफिक ज्यादा दिखती है, जिसके कारण जाम की समस्या कभी कभी देखने को मिल रही है। हालांकि वहां पर अतिरिक्त ड्यूटियां लगाकर जो है कि आवागमन को सुचारू चलाया जा रहा है। तो ये मुख्य रूप से जो बारात और जो है कि शादी विवाह के कारण ही ये समस्या आ रही है। तो सर, ऐसे लोग जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं उनके किस तरह से कार्रवाई की जाती है? देखिए, उनको निर्देशित किया गया है कि उनकी जो पार्किंग है उसमें ही खड़ा कराएं, रोड पर ना खड़ा कराएं। अगर रोड पर खड़ा कराते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।